बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मटन का बादामी कोरमा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही इजी है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। बादामी कोरमा बनाने के लिए बकरे का गोश्त लिया है मैंने आधा किलो। आधा किलो के अंदर एक पाव दही जाएगा, लहसुन जाएगा 1 टेबल स्पून फुल भर के, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हम लाल करेंगे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का इसे हम स्लाइस करेंगे, धनिया 2 टेबलस्पून फुल, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून लेवल्ड, ये रहा लाल मिर्च पाउडर और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये 1 टीस्पून है लेवल्ड। अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो इसे और इसे दोनों को 1-1 टीस्पून कर लीजिए। साथ ही इसके अंदर जाएगा नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून और गरम मसाला मैंने 2 अलग अलग जगह निकाला है। 16-17 तकरीबन काली मिर्चें हैं साबुत और 5 लौंगे हैं, ये हम मसाले के साथ डालेंगे और 1/4 जावित्री, 1/8 जायफल, 1 बड़ी इलायची के दाने और 4 छोटी इलायची के दाने, ये हम पीस के अपने पास रख लेंगे और इसे हम दम पे डालेंगे। मेलन सीड्स 1 टेबलस्पून गर्म पानी में भिगोए हुए हैं और 25 बादाम गर्म पानी में भिगोए हुए हैं, इसमें से 15 बादाम मेलन सीड्स के साथ 2-3 टेबलस्पून दूध के अंदर पीस के एक पेस्ट बनेगा और 10 बादाम हम 2 टुकड़े करेंगे उनकी स्किन उतार के और उसको हम ग्रेवी के अंदर ऐसे ही डालेंगे फॉर गार्निशिंग। 1 कप ऑयल कुकर के अंदर ले लिया है, मैं इसको कुकर में पकाऊंगी। इसके अंदर चली जाएगी प्याज और इसको हम बिल्कुल इवनली गोल्डन ब्राउन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे और जितनी देर ये प्याज लाल होगी उतनी देर में हम बादाम और मेलन सीड्स का एक पेस्ट बना लेते हैं। तो प्याज बहुत अच्छी लाल हो गई है और अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ और फिर मैं इसे दही के साथ ग्राइंड कर लूँगी और एक पेस्ट बना लूँगी। अब इसके बाद स्टोव की फ्लेम बिल्कुल स्लो है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 ग्लास पानी। तेज़ गरम तेल के अंदर हम पानी डाल के और उसके बाद अपने तमाम मसाले डालेंगे। सबसे पहले चला गया लहसुन, हल्दी और नमक, मिर्चें, धनिया पाउडर, लौंगे और काली मिर्चें, इसे मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से और अब इसके बाद हम अपनी फ्लेम को फुल कर देते हैं। सबसे पहले हम इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे और जब तमाम ऑयल ऊपर आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून गया, अब इसके अंदर चला जाएगा गोश्त। और इसे भी हम मसाले के साथ खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। गोश्त का पानी तमाम का तमाम अच्छे तरीके से भुन चुका है, अब इसके अंदर सबसे पहले चला जाएगा ये बादाम का पेस्ट। बिल्कुल तेज आंच के ऊपर हम इसे भूनेंगे और जब ये पूरा भुन जाएगा तो फिर पानी डाल के हम गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। तो बादाम का पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, देख लीजिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस वक्त इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। अगर आप इसे पॉट में पका रहे हैं तो कम से कम 40 से 45 मिनट आप पकाएंगे, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए कुकर लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको फर्दर दिखाऊंगी। तो 5 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त की अब क्या पोजिशन है। देखिए आपने देखा गोश्त की बोटी जो है वो टूट गई है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ी सी कसर बाकी है, बस इतना ही कुकर में मैंने गोश्त गलाना था। अब बाकी का जो है वो दही प्याज के साथ गलेगा, तो इसके अंदर हम ये दही प्याज का पेस्ट जो है वो डाल देते हैं और आप दही प्याज का पेस्ट भी देख लीजिए कि ये जो है दानेदार पिसा हुआ है, मैंने इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया है क्योंकि जब हम बाज़ार का कोरमा खाते हैं
वो थोड़ा दानेदार मसाले वाला होता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कसर छोड़ी है। मिक्स करते हैं दही को अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम डालेंगे इस टाइम पे अदरक, जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी हम डाल देते हैं। और अब मीडियम आंच के ऊपर अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो दही हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है और गोश्त भी तकरीबन हमारा बिल्कुल रेडी होने के करीब है। इस वक्त हम इसके अंदर डाल देंगे ये थोड़े से कटे हुए बादाम, साथ ही ये चारों चीज़ें जो हमने पीस के रखी थी ये भी डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और इसी वक्त इसके अंदर चला जाएगा तकरीबन एक टीस्पून के करीब ज़ाफ़रानी केवड़ा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसकी खुशबू पसंद नहीं है तो मत डालिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको मैं अपने कोरमे के अंदर देख दिखा दूं कि देखिए कितना दानेदार और कितना अच्छे रंग का माशाल्लाह मज़ेदार कोरमा रेडी हो रहा है। थोड़ी सी अभी इसके अंदर कसर बाकी है, तो अब हम क्या करेंगे, आधा गिलास इसके अंदर डाल देंगे वापस से पानी का। और अब धीमी आंच के ऊपर इसको फर्दर 15 मिनट में और पका लूँगी। तो अगले 15 मिनट के अंदर जो थोड़ी सी गोश्त में कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये हमारा कोरमा, बादामी कोरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और गोश्त 100% गल गया है। बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर है इसके ग्रेवी का। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यह बताना कि वो लोग जो इसको कुकर में पकाएंगे उनको मालूम होगा कि उनका कुकर 80% गोश्त को कितना देर में गलाता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और जो लोग पॉट इस्तेमाल करेंगे उन्हें 2 गिलास पानी डाल के इसको पॉट में ही 40-45 मिनट तक पकाना है ताकि वो 80% कुक हो जाए और फिर बाकी का 20% दही और प्याज के पेस्ट के साथ करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मज़ेदार मटन बादामी कोरमा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बना है ये। ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए। वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी। एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स में मुझे शेयर करते रहिए ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।